हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 5, लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 5, लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ यूनिट 1, अबाउट आवर कंट्री। The states of Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal lie mainly in the northern plains. Parts of Assam and Tripura are also included in these plains. Let us read about the life of people in some of these states. तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो कुछ स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये सारे जो स्टेट्स हैं ये नॉर्दर्न प्लेन्स में लाई करते हैं। आसाम और त्रिपुरा के कुछ पार्ट्स भी इन नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसे है, वो यहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं। तो पहला स्टेट है पंजाब। पंजाब में क्या क्या होता है आइए देखते हैं। पंजाब इज द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर विथ हार्ड वर्किंग फार्मर्स। द लैंड इज सुटेबल फॉर फार्मिंग सिंस इट हैज अ नंबर ऑफ रिवर्स नेमली सतलज, रवि एंड बीस। इट्स कैपिटल इज चंडीगढ़, अ वेल प्लान्ड सिटी। पंजाबी एंड हिंदी आर द लैंग्वेजेस मेनली स्पोकन बाय द पीपल। वुमेन वियर सलवार कमीज विथ दुपट्टा वाइल मेन वियर लुंगी कुर्ता। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आर गुरु पर्व, बैसाखी, लोहरी, दिवाली एंड होली। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि जो पंजाब स्टेट है इसे लैंड ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। अब इसे लैंड ऑफ एग्रीकल्चर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मेहनती किसान रहते हैं जो कि वहाँ पे बहुत सारा खेती करते हैं, जिसके वजह से पंजाब का अधिकतर जगह पे खेती होती है यानी कि एग्रीकल्चर होता है। यहाँ का जो लैंड है ये फार्मिंग यानी कि खेती करने के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नदियां पाई जाती है, रिवर्स पाए जाते हैं, जैसे कि सतलज रिवर, रवि रिवर एंड बीज रिवर। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है, ये एक वेल प्लान्ड सिटी है। पंजाबी और हिंदी, इस जगह पे पंजाब में पंजाबी और हिंदी दो मेन लैंग्वेजेस है जो कि वहां के रहने वाले लोगों के द्वारा बोला जाता है। यहाँ पे जो वुमेन रहती हैं वो सलवार कमीज विथ दुपट्टा पहनती हैं और जो मेन होते हैं वो लुंगी कुर्ता पहनते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक मेन का पिक्चर है, इसने क्या पहन रखा है, लुंगी कुर्ता। और यहाँ की जो आंटियां हैं या फिर कह सकते हैं कि जो वुमेन है ये क्या पहनी है, सलवार कमीज विथ दुपट्टा। यहाँ पे जो मेन फेस्टिवल्स त्योहार जो मनाया जाता है वो है गुरु पर्व, बैसाखी, लोहरी, दिवाली एंड होली। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यानी कि पंजाबी लोग ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब लोहरी मना रहे हैं। वीट, शुगर केन एंड राइस आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, खेती होता है, तो यहाँ पे वीट, शुगर केन, राइस ये सब मेन क्रॉप्स है जो वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। The use of modern techniques of farming and better quality seeds has led to an increase in the production of wheat to a large extent. तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो जो मॉडर्न टेक्निक्स होते हैं फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए, और जो बेटर क्वालिटी के सीड्स होते हैं, सीड्स मतलब बीज, इन सब के वजह से क्या होता है कि जो वीट वहां पे उगता है उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, वो ज्यादा अमाउंट में उगता है। The number of industries have also been set up in Punjab, mainly in big cities like Ludhiana, Amritsar, Jalandhar, etc. तो पंजाब में बहुत सारे इंडस्ट्रीज को भी लाया गया है जो कि मेनली बहुत बड़े बड़े सिटीज जो कि पंजाब में प्रेजेंट है, जैसे लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटल है। लुधियाना इज फेमस फॉर इट हॉइजरी प्रोडक्ट्स एंड वुलन गार्मेंट्स। द हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। द पंजाबीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग। तो यहाँ पे जो लुधियाना सिटी है ये फेमस है अपने वुलन गार्मेंट्स के लिए और हॉइजरी प्रोडक्ट्स के लिए। वहां पे एक टेम्पल है गोल्डन टेम्पल, जिसे पंजाबी लोग हर मंदिर साहिब भी कहते हैं। ये अमृतसर में है, ये बहुत ही फेमस है पूरे दुनिया भर में और हर साल बहुत सारे लोग इसे देखने वहां जाते हैं। पंजाबी जो है वो बहुत ज्यादा खाने का शौक रखते हैं, जैसे कि मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, ये दो आइटम है जो पंजाबी लोग बहुत ज्यादा खाते हैं।
ये जो आप पिक्चर देख रही है गोल्डन टेम्पल का पिक्चर है, आपने नाम जरूर सुना होगा। नेक्स्ट स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है हरियाणा। हरियाणा विच लाइज टू द साउथ ऑफ पंजाब ऑल्सो हैज चंडीगढ़ एज इट्स कैपिटल। पीपल जनरली स्पीक हरियाणवी और हिंदी। वेमेन वियर घाघरा कुर्ती एंड चुनरी वाइल मेन वियर धोती कुर्ता एंड पगड़ी। तो हरियाणा जो है ये पंजाब स्टेट के साउथ डायरेक्शन में लाई करता है, यानी कि पंजाब अगर यहाँ है तो उसके साउथ डायरेक्शन यानी कि उसके नीचे तरफ में हरियाणा प्रेजेंट है। अब हरियाणा का भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा का भी कैपिटल है और पंजाब का भी। वहां पे जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर हरियाणवी और हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। वहां की जो विमेन होती है वो घाघरा पहनती हैं, कुर्ती पहनती है और उसके साथ चुनरी भी पहनती हैं। वहां के जो मेन होते हैं वो धोती कुर्ता और सर पे एक पगड़ी पहनते हैं। वहां पे जो मेन ऑक्यूपेशन है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं वो है फार्मिंग, कैटल रियरिंग और डेयरी फार्मिंग। ये तीन ऐसे ऑक्यूपेशन है जो हरियाणा में बहुत सारे लोग करते हैं। वहां पे भी मेजर क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे कि वहां फार्मिंग होता है तो क्रॉप्स तो उगेंगे ही, तो वीट, राइस, मेज, शुगर केन एंड पल्सेस, ये कुछ मेजर क्रॉप्स है जो वहां पे उगाया जाता है। घग्गर एक तरह का रिवर है जो कि हरियाणा में बहता है। घग्गर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सिर्फ एक रिवर है जो कि हरियाणा में बहता है, वो क्या है? घग्गर। The farmers have adopted modern scientific methods of farming for greater yield of crops. पंजाब की तरह ही हरियाणा ने भी बहुत सारे modern scientific methods को अपनाया है ताकि वो लोग जो farming करते हैं वहां से बहुत सारा production हो सके। पानीपत, कुरुक्षेत्र, कर्नल, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम जिसे कि पहले हम लोग गुड़गांव भी कहते थे, ये सब हरियाणा के main cities है। पानीपत जो है वहां पे हैंडलूम क्लोथ बनते हैं जो कि बहुत ही फेमस है। अगर आप पानीपत जाइएगा तो वहां पे आपको हर जगह हैंडलूम क्लोथ ही दिखेंगे। गुरुग्राम जिसे कि हम लोग पहले गुड़गांव भी कहते थे, वो अपने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए बहुत ही जाना जाता है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर वहां पे किया जाता है, वहां पे बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जहां पे ऑटोमोबाइल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो पानीपत जो है ये अपने हैंडलूम क्लोथ्स के लिए फेमस है और गुरुग्राम जिसे गुड़गांव भी कहा जाता था वो अपने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में जो कि इंडिया का नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। न्यू दिल्ली जो है ये इंडिया का कैपिटल है जो कि रिवर यमुना पे सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड है? रिवर यमुना पे। इट इज बाउंडेड इन द ईस्ट बाय उत्तर प्रदेश एंड बाय हरियाणा ऑन द थ्री साइड्स एंड मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन हियर, द मेजर वंस बीइंग इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड उर्दू। तो न्यू दिल्ली जो है ये इंडिया का कैपिटल है जो कि यमुना रिवर पे सिचुएटेड है। इसके ईस्ट साइड में उत्तर प्रदेश स्टेट प्रेजेंट है और बाई हरियाणा यानी कि जो दिल्ली है उसके तीन साइड में कहाँ क्या प्रेजेंट है? हरियाणा स्टेट प्रेजेंट है। वहां पे बहुत सारे लैंग्वेजेस बोली जाती है जिसमें से सबसे मेन है इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड उर्दू। तो ये चार मेन लैंग्वेजेस है जो कि दिल्ली के लोग बोलते हैं। Almost all major Indian festivals are celebrated in Delhi. This is because it is a cosmopolitan city. तो इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जैसे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, ये सब वहां पे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आते हैं रहने के लिए, काम करने के लिए, तो ये एक मिक्स टाइप का है जिसे हम लोग कॉस्मोपॉलिटन सिटी भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे हर तरह की फेस्टिवल्स मनाई जाती है। दिल्ली जो है इसे सेंटर ऑफ ट्रेड भी कहा जा सकता है। यहाँ से ट्रेड किया जाता है, कॉमर्स किया जाता है और इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी है। यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यानी कि इतिहास के कुछ बड़े बड़े इमारतें भी हैं जैसे कि कुतुब मीनार, जंतर मंतर, इंडिया गेट, बहाई टेम्पल एक्सेट्रा। ये सब एक कुछ ऐसे ऐतिहासिक मीनारे हैं जो कि हर साल बहुत सारे लोग देखने आते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये इंडिया गेट का पिक्चर है, ये कुतुब मीनार का पिक्चर है। नेक्स्ट स्टेट हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश जो है ये इंडिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट है। यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। इसका कैपिटल लखनऊ है। यहाँ की जो मेन लैंग्वेजेस है जो वहां के लोगों के द्वारा बोली जाती है वो है हिंदी और उर्दू। वहां पे जो मेन रहते हैं वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं और जो वुमेन होती हैं वो साड़ी पहनती है।
वहाँ पे ज्यादातर दशहरा, दिवाली, ईद और होली ही मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश जो है ये पूरे इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन। शुगर केन मतलब क्या होता है? केतारी होता है। तो ये जो शुगर केन है ये उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पाया जाता है पूरे इंडिया में। यहाँ पे कुछ और भी क्रॉप्स उगते हैं जैसे कि वीट, राइस, मेज, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। तो ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो उत्तर प्रदेश में भी उगाए जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी है जैसे कि शुगर की इंडस्ट्री है, सीमेंट की, टेक्सटाइल, लेदर, गुड्स, बहुत सारी चीज़ों की वहाँ इंडस्ट्रीज भी प्रेजेंट है। वहाँ पे जो कानपुर जगह है ये बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है। अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज जो कि उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है वो है अलाहाबाद, वाराणसी एंड मीरठ। सिटी ऑफ आगरा इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द ताजमहल। तो आगरा जो सिटी है ये भी एक उत्तर प्रदेश का ही सिटी है। ये फेमस है अपने मॉन्यूमेंट ताजमहल के लिए। यहाँ पे हजारों लोग हर साल आते हैं ताजमहल को देखने। इसीलिए आगरा जो सिटी है ये अपने ताजमहल के लिए बहुत ही फेमस है पूरे दुनिया में। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये किसका पिक्चर है? ताजमहल का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बिहार के बारे में। टू द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द स्टेट ऑफ बिहार। तो उत्तर प्रदेश के ईस्ट साइड में जो स्टेट प्रेजेंट होता है उसे बिहार कहा जाता है। वहां पे जो स्टेट है वो क्या है? बिहार है। उसकी कैपिटल है पटना जो कि रिवर गंगा पे सिचुएटेड है। वहां पे ज्यादातर भोजपुरी, मैथिली, मगही बोली जाती है। वहां की मेन लैंग्वेजेस है। छठ पूजा, दिवाली, होली, दशहरा कुछ ऐसे फेस्टिवल है जो कि वहां पे हर साल बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। वहां के कुछ मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जहां पे खेती होती है वहां पे, तो वहां से जो आता है खेती में वो है वीट, राइस, मेज, जूट, ये सब कुछ मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। बोध गया भी बिहार में ही प्रेजेंट है जहां पे लॉर्ड बुद्धा जो थे उन्होंने एनलाइटमेंट को अटेन किया था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर है बुद्धिस्ट के लिए। यहाँ पे हर साल बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग या फिर बहुत सारे लोग बोधगया में देखने आते हैं, वहां घूमने आते हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये बोधगया में ही प्रेजेंट है। ये किनका पिक्चर है? ये लॉर्ड बुद्धा का पिक्चर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। तो इंडिया के ईस्ट साइड में क्या प्रेजेंट है? वेस्ट बंगाल, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा फर्टाइल स्टेट है। फर्टाइल स्टेट मतलब कि यहाँ पे आप बहुत सारे क्रॉप्स उगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रेजेंट है। मैंने आपको पिछले ही चैप्टर में पढ़ाया था कि जब गंगा जो रिवर बेसिन होता है वो जब आता है बे ऑफ बंगाल में, तो उसके माउथ पे गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जहां मिलता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? उस जगह को हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। और उस जगह में जो सॉयल रहती है, मिट्टी रहती है, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है। तो यहाँ पे जो जगह प्रेजेंट है उसे ही कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें उपजाई जाती है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। यहाँ पे जो लैंग्वेज ज्यादातर बोली जाती है वो है बंगाली। और यहाँ का मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। हर साल दुर्गा पूजा यहाँ पे बहुत 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 बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। वहाँ का मेन क्रॉप है राइस। वहाँ चावल बहुत ज्यादा ही उगाया जाता है। और भी क्रॉप्स है जो कि वहाँ उगाए जाते हैं जैसे कि जूट, पोटैटो, वीट, मेज, टोबैको, बार्ली एंड ऑयल सीड्स। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये दुर्गा पूजा का पिक्चर है जो कि वेस्ट बंगाल का मेन फेस्टिवल है। एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टेट्स प्रोग्रेस। तो एग्रीकल्चर जो होता है वो किसी भी स्टेट के प्रोग्रेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे पूरे इंडिया में 3/4 मतलब 3/4 पीपल जो है वो फार्मिंग में इन्वॉल्व है। पीपल जो इंसान लोग होते हैं वो बहुत ही आर्ट, फॉन्ड ऑफ आर्ट हैं। वहाँ पे आर्ट बहुत ज़्यादा माना जाता है, म्यूजिक को माना जाता है, ड्रामा, लिटरेचर, ये सब के बहुत वो लोग शौकीन होते हैं। आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, ड्रामा, लिटरेचर, वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं इन सब चीज़ों के। तो वेस्ट बंगाल जो है ये भी फेमस है अपने कुछ चीज़ों के लिए जैसे कि हैंडलूम्स, टेक्सटाइल्स, स्किन, बैम्बू वर्क एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही फेमस चीज़ है जो कि पूरे दुनिया में पसंद किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल इसी चीज के लिए भी फेमस है।
कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो कि वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है वो है हावड़ा, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। दार्जिलिंग क्यों फेमस है? आपने बचपन से पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि दार्जिलिंग में चाय की जो गार्डन्स है, यानी कि टी गार्डन्स जो है, जो चाय की पत्तियां होती है उसके जो गार्डन्स है वो बहुत ही सुंदर होते हैं और वहाँ की जो चाय की पत्ती होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो दार्जिलिंग जो है वो अपने टी गार्डन्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। बंगालीज जो होते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वो राइस और फिश खाना बहुत ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आसाम। आसाम इज अ ग्रीन रिच स्टेट विथ टेरेस्ड हिल्स वेयर ट्री इज ग्रोन इन ह्यूज टी प्लांटेशंस। तो आसाम जो है इसे ग्रीन रिच स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे टेरेस्ड हिल्स आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं, वो कुछ कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे बहुत सारे टी के प्लांटेशंस किए जाते हैं, बहुत सारे जो चाय की पत्तियां होती है उसे उगाया जाता है। वहां पे बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, यानी कि बारिश होती है, इसीलिए राइस और जूट जहां जिसको उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है उसे आसाम के प्लेन एरियाज में उगाया जाता है। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल लिविंग इन आसाम। स्टेपल फूड मतलब ऐसा खाना जो आप लोग रेगुलर खाते हैं, रोज खाते हैं, और एक मेन चीज है वो हर खाने के साथ वो एक मेन चीज है। तो राइस जो है वो आसाम में जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए स्टेपल फूड है। आसाम का सबसे बड़ा सिटी है गुवाहाटी और वहां के जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर आसामीज बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा जो है एक ऐसा जगह है जहां पे जूट, ऑयल सीड्स, राइस, कॉटन कुछ मेजर क्रॉप्स है जो कि वहां पे उगाए जाते हैं। वहां की जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे बैम्बू के ट्रीज, बांस आप जानती होंगे, तो बैम्बू के ट्रीज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है वहां पे, बहुत सारे अबंडेंस में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो बैम्बूज होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में उग रहे हैं, इसीलिए उसे हट्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, वुडन टॉयज बनाने के लिए और कुछ डेलिकेट बैम्बू हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगरतला त्रिपुरा का कैपिटल है। अगरतला क्या है? त्रिपुरा का कैपिटल। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज। Bye-bye.